अस्सलामुअलैकुम। आज की पीडब्ल्यूडी डेली न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इकरा बान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी। खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद की, जहां पर ज़िलाई महकमा बहबूद आबादी ऑफिस फैसलाबाद की जानिब से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज समुंदरी में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस ब्रेस्ट कैंसर आगाही सेमिनार की मेहमान खसूसी फैमिली हेल्थ क्लिनिक समुद्र की इंचार्ज डॉक्टर आयशा राणा थी। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक आगाही के हवाले से जाना जाता है। इस सिलसिले में महकमा बहबूद आबादी पंजाब की जानिब से पूरे ज़िला में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में होने वाले इस ब्रेस्ट कैंसर की आगाही सेमिनार में डॉक्टर आयशा राणा का कहना था कि छाती का कैंसर खवातीन में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। पाकिस्तान में हर 9 में से एक औरत में छाती का सरतान होने का खदशा है, लेकिन जल्द तशखीस से 90% से ज़ायद मरीज इस मोहलक मर्ज से बच सकते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन को अपना मुआयना बर वक्त करते रहना चाहिए ताकि कीमती ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। इस मौका पर इनका मजीद कहना था कि एक माँ की अच्छी सेहत खुशहाल ख़ानदान की तश्कील के लिए ज़रूरी है, इसलिए ख़वातीन को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दूसरी जानिब अब आपको आगाह करते हैं ज़िला जहलम से, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जहलम का इजलास कमेटी कमिश्नर जहलम नुमान हफीज़ की ज़ेर सदारत मुनक़द किया गया। इजलास में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। कमेटी रूम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जहलम में मुनक़द होने वाले इस इजलास में महकमा सेहत तालीम, महकमा इत्तला'आत के ज़िलाई सरबराहान, उलमा कराम और FPA PK के नुमाइंदगान ने शिरकत की। हसन खालिद वराइज डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जहलम ने शुरा को महकमा बहबूद आबादी की सरगर्मियों, माना हमल, अद्वियात की फ्राहमी और महकमा की आगाही मुहिम के बारे में तफसीलात फ्राहम की। इस मौका पर इनका कहना था कि डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब के अहकाम के मुताबिक लोकल FM रेडियो पर मतवाजन घराने के हवाले से हफ्तावार प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। नुमान हफीज़ डिप्टी कमिश्नर जहलम ने महकमा बहबूद आबादी की कारकर्दगी और आगाही मुहिम की सरगर्मियों को सराहा और तमाम सरकारी महकमों और गैर सरकारी तंजीमों को हिदायत की कि अवामुल नास को तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के बारे में आगाही फ्राहम करें। ये थी आज की हमारी अहम तरीन खबरें। महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुतालिक दीगर खबरों को जानने के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल बहबूद TV। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।